पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद के थाना कटघा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़ पड़े। युवक लहूलुहान हालत में पड़ा था। युवक के खुद को गोली मारने की सूचना लगते ही डायल 100 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में लहूलुहान हालत में पड़े युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सकों ने युवक को देखते ही मृतक घोषित कर दिया। युवक की मौत से उसके परिवार में चीख पुकार मच गई। वहीं परिजनों ने किसी तनाव या परेशानी से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कड़गा थाना क्षेत्र के गांव हृदयपुर में रहने वाले राज बहादुर मौजूदा प्रधान हैं। उनके परिवार में पत्नी अनीता यादव, दो बेटे शिवम राहुल यादव और एक बेटी शिवानी है। प्रधान राज बहादुर 22 वर्षीय बेटा शिवम आज दोपहर घर पहुंचा और कमरे में जाकर खुद को तमंचे से सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़े तो शिवम लहूलुहान हालत में पड़ा था। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 PRV तैनात हेड कांस्टेबल बलराम सिंह, चालक मोहित कुमार और कांस्टेबल देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में पड़े शिवम को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सकों ने युवक को देखते ही मृतक घोषित कर दिया। युवक की मौत से उसके परिवार में चीख पुकार मच गई है। प्रधान के पुत्र द्वारा खुद को गोली मारकर जान देने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं अभी परिजन कोई आत्महत्या की ठोस वजह नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।